पर जब मेले का उद्घाटन होता है, इस क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों के बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं और पूरे नगर में झांकी निकाली जाती है। नुमाइश मैदान पर दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना से मंच पर होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ होता है। वहीं दूसरी ओर कुमाऊं के गांव घरों में एक ऐतिहासिक उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा छू कुमाऊं में चंद वंशर हाजी चल जी लगभग 1000 साल पहले बात थी। राजा नाम कल्याण चंद थी तो उन्हें बहुत लंबे समय तक कोई संतान उनको प्राप्ति नहीं भई। जे कारण उन्होंने बागनाथ जी यो जो बक्सर में विद्वान थे बहुत इन्हें मन्नत करी। बागनाथ जी कृपा उन्होंने एक चोल हो जो चोलो नाम जो छू निर्भयचन थी। ये गांव में एक माओ छी मोती माओ छी नंतिर माओ को बहुत प्रेम कर छी माओ देवे। तो जब खोते डाड़ मालो घर वाल को निर्भय की आ कौआ आ ये माओ को भेजा तो उ सुभजा जी धीरे 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 काऊ को पछाण भगवे हमेशा की तरह पछाण भगवे कावलो जो छू बच्चों पछाण भगवे। तो
बाद में राजा मंत्री का एक बार षड्यंत्र आ कि ये राजा राज्य में हड़प लीजिए, तो इलू राजा जो बहुत लंबे समय बाद जो बच्चे हैरो अपहरण कर लिए उनको लिपे कहीं अज्ञात स्थान पर वो निर्णय हुए मंत्री कि यकूँ जो अपहरण करो राजा तख्त तो पलट कर लूँ, अब हम यहाँ पर राज्य में काबिज है और काओ जो छू ये संदेश भाग ले कही जाए हमारे यहाँ कुमाऊँ में यो भर भल खुशखबरी ले लूँ और शुभले मानी जाए कि काओ जो छू दो तीन अक्षर अगर वो काँव काँव कर सो तो बहुत शकुन मानी जाए कि कोई ऊनी जो छू तो वो कावल जो छू वहाँ वो माओ लिपे वहाँ पहुँचो दरबार में राजा दरबार में माओ ले आता वो माओ देख भे राजा लोग समझ गया कि यार ये माओ लिपे हो गो हमारे बच्चों को ये जान ढोल तो माओ चावल कावा पछीन भे राजा सिपाही लोग सब गए तो जहाँ वो मंत्री रूप भव लुकर आछी तो वहाँ स्थान जानकारी उनको है गई। तो जब वो काओ को मंत्री को सजा दी गई टुकड़ टुकड़ कर वे राजा काओ को खवा छो उस दिन बेटी ये राज्य में घोषणा कराई गई कि यकू मकर संक्रांति पे भूता रूप में जो छू मीठ पकवान खवने परंपरा तब बेटी चली छू। राजा शांतनु की एक पत्नी थी जिसका नाम था गंगा। गंगा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवीदत्त था। जब राजा शांतनु जो थे अपने पुत्र देवीदत्त के लिए कन्या को देखने गए जिसका नाम सत्यवर्ती था। जब राजा शांतनु ने सत्यवर्ती के रूप और रंग को देखा वह उस पर मोहित हो गई और स्वयं विवाह करना चाहते थे। तो जब राजा शांतनु ऐसा अपने पुत्र से न कह पाए और घर आकर बीमार पड़ गई। बीमार जब बहुत दिनों तक रह गए तो इसका कारण देवीदत्त ने उनसे पूछा, वह बता भी नहीं पाए। उसके बाद जब देवीदत्त ने अपने रिश्तेदार अपने दोस्त उनके पास भेजे कि इस बीमारी का क्या कारण है, तो राजा शांतनु ने उनको बता दिया। देवीदत्त उस कन्या के पास गए, उन्होंने उस कन्या से अपने पिताजी से विवाह करने के बारे में कहा। तो सत्यवर्ती ने कहा कि जब मेरे पुत्र हो जाएंगे तो वह राजगद्दी पर नहीं बैठाएंगे क्योंकि आप राजा शांतनु के बड़े पुत्र हैं। उसी समय देवीदत्त ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अविवाहित रहूँगा और आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजगद्दी में बैठेगा और मैं राजगद्दी में नहीं बैठूंगा। उनके इस प्रतिज्ञा करने से सत्यवती राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के पश्चात सत्यवती से दो पुत्र हुए जिनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद भी देवीदत्त राजगद्दी में बैठने को तैयार नहीं हुए, तब से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा और उसके बाद उन्होंने सिंहासन पर धृतराष्ट्र को बैठाया और भीष्म पितामह कौरवों के साथ इसलिए लगे रहे कि उन्होंने राज्य की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद पांडु और कौरवों में युद्ध हुआ तो पांडु को ये पता नहीं था कि ये किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो भीष्म पितामह ने बताया कि आपकी सभा में एक शिखंडी है जो शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था और आज वह पुरुष बन के शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध है। जब वह युद्ध में आगे आ जाएगा मैं उस पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा क्योंकि प्रतिज्ञा मैंने की है कि मैं स्त्रियों की रक्षा करूंगा। तो जब भीष्म पितामह ने शिखंडी को लड़ने के लिए आते हुए देखा तो उन्होंने अपना धनुष बाण जमीन में रख दिया और निशस्त्र खड़े हो गए। तब धोखे से अर्जुन ने उनके शरीर को छलनी कर दिया और सरसैया पर सुला दिया। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए क्योंकि उनको अपने पिताजी राजा शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह यह चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण में चले जाए तब मेरी मृत्यु प्राप्त हुए। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, माघ माह के पहले दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए ये उत्तरायणी मनाई जाती है। और तीन दिन स्नान के लिए आदमी व्रत करके जाता है, इसको यहाँ तिरमागी कहते हैं। भीष्म पितामह को श्राद्ध तर्पण इस आधार पर यहाँ पर कुछ पकवान पकवाए जाते हैं और कौओं को खिलाए जाते हैं जिससे उसे भुक्तिया तैयार करते हैं।